तो दोस्तों ये तैयार हो रहे हैं, देखिए सागौन के दरवाजे, ये लकड़ी, और ये तैयार किए हुए जी हमने कॉलम के फर्मे, जैसे जो लाल प्लाई होती है वो सेटिंग में यूज होती है। अभी पहुंचे हैं लोहे वाली दुकान पर और सिर्फ आए हुए हैं हमारे बाबा जी और जयपाल। तो ये देखिए जी हमारा दरवाजा तैयार हो चुका है अभी। जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। तो कल आया था मैं शादी में से, आपको पता ही है शादी में गए हुए थे, तो खूब इंजॉय किया और वहां से अच्छी तरह से ठीक हो गई शादी। और अभी आया हूँ सुबह दुकान पर, और कल मैंने आपको बताया था कि भी दरवाजों का काम शुरू है, जो सागौन की लकड़ी थी उनका, तो वो दरवाजे मैं अभी नीचे आप जाके आपको दिखाऊंगा। पहले कर लेते हैं जोत बत्ती करनी है हमें, पहले भगवान को याद करेंगे। और जो मेरे पौधे थे ये देखिए, ऑफिस में पौधे लगे हुए हैं, इनमें भी पानी की, जैसे 2-3 दिन वहां पे रहा मैं शादी में, तो पीछे से किसी ने पानी नहीं डाला इनमें, तो इनमें भी पानी आज डालूंगा अभी। और नीचे चल के आपको दरवाजे दिखाऊंगा सागौन की लकड़ी के, कैसे तैयार हो रहे हैं वो, और जो उनका डिजाइन है उसके डिजाइन के बारे में अभी बल्कि नीचे डिस्कशन कर रहा था मैं कि इस डिजाइन को कैसे बनाएंगे। तो चलिए, और फाइनल होने के बाद भी मैं आपको दरवाजा दिखाऊंगा कैसा दिखता है वो। तो सबसे पहले करते हैं भगवान को याद, और जो धूप है मैं आपको धूप दिखाता हूँ कौन सी यूज करता हूँ, ये वाली, ये क्या है, ये गाय के गोबर से बनी हुई धूप है। जो गौशाला वाले हैं उनके पास क्या है कि गोबर तो हो जाता बहुत इकट्ठा, तो बहुत गोबर इकट्ठा होने के कारण अब वो धूप और जो इनके सामग्री के कप वगैरह है वो भी बनाने लगे हैं, ताकि वो फिर उनसे क्या है कि उनसे आमदनी भी बढ़ती है गौशाला की, और ये शुद्ध भी मानते हैं हम तो इसको, तो इसी का यूज करते हैं। और जो जोत तो बढ़ाने के लिए कॉटन यूज करता हूँ वो करता हूँ मैं, जो सिंपल कॉटन आती है, कोई सर्जिकल कॉटन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सर्जिकल कॉटन में भी कुछ ना कुछ केमिकल मिलावट वगैरह रहती है, तो इसलिए मैं जो अभी नई जैसे कॉटन अभी आई है तो वही यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तैयार हो रहे हैं, देखिए सागौन के दरवाजे, ये लकड़ी, इसमें क्या है कि इसमें जो ये इस तरह से डिजाइनिंग होती है, पॉलिश होने के बाद अच्छी दिखती है ये, और अब इसमें डिजाइन बनेगा ऐसे फटियों का, इनमें ग्रुप देके, इन फटियों में ग्रुप गैप जो होगा थोड़ा बहुत टिप्पर करके इनको, और फिर इन फटियों को लगाएंगे हम, और उससे और पिछली तरफ इसके जो आपको सिंपल टीक दिखाई देगी वो दिखाई देगी इसमें। तो अभी क्या है कि ये दरवाजा जैसे नीचे डाला हुआ है ये ठोकने के लिए, फटियां लगाने के लिए, तो जब उठेगा तब दिखाऊंगा मैं आपको इसके। तो अभी कर रहे हैं रूटर पे डाई चेंज, क्योंकि दूसरी डाई लगेगी इस पे आराम से। और ये तैयार किए हुए जी हमने कॉलम के फर्मे, जैसे जो लाल प्लाई होती है वो सेटिंग में यूज होती है, तो उससे अभी कॉलम भरे जाएंगे, तो ये यूज कर लेते हैं। फर्मों का क्या है, जो ये फर्मे बना रखे हमने लाल प्लाई के, ये पड़ते हैं सस्ते, और जब अभी जैसे कि जानकार है हमारे तो वो मकान बना रहे हैं, तो उन्होंने अपने लिए फर्मे खुद ही बनवा लिए, क्योंकि अगर किराए पे लेके आए तो पड़ते हैं महंगे, और किराए किराए में ये फर्मे बन जाते हैं उनके, और खुद के रहते हैं तो जब तक उनका काम चलता घर का तब तक ये कहीं पे नहीं जाते, तो इसलिए काफी लोग अभी इनको ऐसे ही यूज करने लग गए। तो ये डाई है जी टेपर के लिए। तो अभी ये टेपर ऐसे की है, लेकिन ये क्या है कि कम है, थोड़ी और ज्यादा करेंगे अभी इसको। तो दोस्तों ऐसे टेपर की है हमने इसमें, ये सभी में जितनी फटियां हैं सब में टेपर करेंगे, और आपस में इनको ऐसे चिपका के लगा देंगे, फिर डिजाइन बनेगा इसका, जो फाइनल डिजाइन बनेगा उसकी फोटो मैं आपको फिर दिखाऊंगा बाद में। तो जी यहाँ का काम शुरू है, और मैं जाता हूँ अभी लोहे वाली दुकान पर, वहां पे देखते हैं क्या काम शुरू था, क्योंकि कल तो जैसे आए थे तो थकावट थी, तो लकड़ी वाली दुकान पे रहा रहा था मैं, वहां पे जाके नहीं आया, तो अभी वहां पे जाके आता हूँ। अभी पहुंचे हैं लोहे वाली दुकान पर और सिर्फ आए हुए हैं हमारे बाबा जी, और जयपाल अभी आया है मेरे सामने, और ये देखिए कबूतर की तरह आराम से बैठे हुए,
इनको लग रही है ठंड, क्योंकि सर्दी हो चुकी है। और बाबा जी कैसे हो, कैसे गए आपके दिन? ठीक चले गए? बढ़िया टाइम पास हो रहा है। बढ़िया टाइम पास हो रहा है। यह थोड़ा यही समस्या है कि टाइम पास करते हैं, यही समस्या है। चलिए, और अभी करवाता हूँ कैमरा ठीक, क्योंकि बंदर दोबारा हिला गए। फिर जो ऊपर अभी मैं थोड़े हल्का सा ऊपर उठा दिए, देखता हूँ ठीक हो गया कि। एक मिनट, यहाँ पे कटा हुआ है काली चादर का माल। ये काली चादर की चौकटे बनती हैं, ये बनती है 14 गेज की, और ये यूज होती है सरकारी काम में। तो ये स्त्रियाँ फटियाँ तैयार हो चुकी हैं यहाँ पर लकड़ी वाली दुकान पर, और ऐसे जोड़ के इनका ऐसे गैप दिखेगा, और ये तैयार हो चुकी हैं, और बाकी पर अभी रूटर लग रहा है वहाँ पर। दरवाजा जो सन मतलब पहला दरवाजा था हमारा वो हो चुका है तैयार, अभी देखते हैं कैसा बना है। तो ये देखिए जी, हमारा दरवाजा तैयार हो चुका है अभी। तो ये देखिए दोस्तों, अभी इस तरफ से सही दिखा रहा है बिल्कुल। तो ये ऐसे तैयार हो चुका है अभी, क्या है कभी नजदीक से दिखाऊंगा। तो एक मिनट, एक मिनट अनिल, इसमें ऐसे ग्रुप है, ये देखिए ऐसे इस तरह से, और पॉलिश होने के बाद तो इसकी ग्रेस ही अलग आएगी। तो बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, ये देखिए, और इसने क्या क्या बनाया हुआ है, ये देखिए गणेश जी, शिव जी जी, कृष्ण है। एक मिनट दोबारा दिखाई, दिखाते कृष्ण, कृष्ण दिखाना है, अभी दिखाते। ये गणेश जी की फोटो बनाई है, इसकी दोस्त ने बनाई है, मैंने बनाई है। ये शिव भगवान बनाए इसने, और ये कृष्ण जी, शेरावाली माता, ये शेरावाली माता, ये राधा, ये राधा जी, ये काली माता, ये काली माता बनाई, ये सब तुमने बनाए हैं। ठीक है, चलो। और तन्नू को लगा है जी इंजेक्शन, दिखाइयो इंजेक्शन कहाँ पे लगा है। अरे यहाँ से, यहाँ पे बाजू पे इंजेक्शन लगा इसको। नहीं चलो कोई बात नहीं। तो अभी मैं पहुँचा घर पर, और बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर अपने अपने काम। तू क्या कर रहा है गुल्लू? ये बना रहा। अच्छा स्कूल में क्या था आज, पार्टी शुरू हुई थी? हाँ। किस चीज़ की पार्टी थी आज? मेरे दोस्त की। तेरे दोस्त की, सब की? हाँ। अच्छा, उसका हैप्पी बर्थडे था? और किसका हैप्पी बर्थडे था? गाना चल रहा था। गाना चल रहा था? हाँ। कौन सा गाना चल रहा था? मेरे नाल का बर्थडे था, वो चल रहा था, लड़के का, लड़की का, लड़के का, लड़की का। हाँ। क्या गाना? कोई आता इसकी फ्रेंड का हैप्पी बर्थडे, और हम वो लोग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता की। चलो गुल्लू आप भी बोलो, बाय। बोलो बाय। तू भी करना बाय। बाय बाय बाय, इसने बाय कर दिया। ठीक है, और क्या करें, और हमारे चैनल को तेज हथियार लो। ये क्या था? तेज हथियार लो, ये पता नहीं, ये मुझे भी समझ में नहीं आया, आप क्या बोल रहे इसने। तेज हथियार लो।